हेलो हेलो, जस्ट लेट मी नो, जस्ट गिव मी कन्फर्मेशन वेदर एम आई ऑडिबल और नॉट. गिव मी कन्फर्मेशन इन कमेंट सेक्शन वेदर एम आई ऑडिबल और नॉट. ओके, हेलो हेलो, अभी आ रही आवाज़? जस्ट गिव मी कन्फर्मेशन वेदर एम आई ऑडिबल और नॉट प्रॉपरली. ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कन्फर्मेशन अमित पुनिया, राहुल कांबड़े. ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके लिए हम जिस काम के लिए आए वो स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन ऑफ गेट 21, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ओके टेल यू, जो भी इस वीडियो का लिंक है, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सभी में फटाफट शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस. ऑलराइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट बिगिन. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन. ओके, सो हमने गेस पेपर तो किया था बट क्वेश्चन वॉर वेग, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज तो आ गए तो उस रिस्पॉन्स को डिस्कस करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. All right. Hello. So those who are joined now, good afternoon. अभी evening हो चुका है. All right. तो चलिए discuss करते हैं. First question में क्या दिया, we have given D, we have given a region, and how do you define D? D कैसे define किया है? Collecting all Z for which Z कैसा होना चाहिए, उसका modulus 2 pi से कम होना चाहिए. All right. तो ये हमारे पास D दिया है. और F define किया है इस D पे, जो कि function है from D to C. वो कैसे डिफाइन किया है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 3z² / 1 - cos z वेन एवर जेड इज नॉन जीरो एंड इफ इट इज जीरो फंक्शन टेक वैल्यू 6. तो हमें पूछ रहा है एफ जेड का जो पावर सीरीज होगा उसमें जो कोएफिशिएंट होगा ए टू, तो 6 × a2 का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहे हैं. तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से जरा. सो फॉर, तो पहले मुझे बताओ आपने क्या रिस्पॉन्स मार्क करके आए थे इसका. दिस वॉज नैट क्वेश्चन. ओके, ये जो क्वेश्चन था वो नैट सेक्शन में क्या था. ऑल राइट, सो वट वॉज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से, वट वॉज यूर रिस्पॉन्स इन द एग्जामिनेशन, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. तो चलो फटाफट बताओ मुझे, अमित, राहुल, मार्गरेट, लापास, तो ओके रोहित गौतमी सिंह, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा. सो आई थिंक 28 to 30 इस विंडो में कट ऑफ जाएगा, नॉट मोर देन डैट. तो राहुल कांबड़े सिंह 3 आंसर आया था, प्रवीण कुमार सिंह a2 is 1, a2 is half, तो 6 a2 will be 3. तो चलिए देखते कैसे आंसर करना है इसे. तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन डिफाइन किया है जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, क्या फंक्शन डिफाइन किया है, 3z² / 1 - cos z. ऑल राइट, तो हमें देखो क्या करना है, इस सीरीज में लिखना है, इस फंक्शन को क्या लिखना है, सीरीज में लिखना है, पावर सीरीज में. तो कैसे लिखेंगे देखो, तो cos z के लिए हमारे पास रेडीमेड सीरीज है. कौन सा सीरीज है, 1 - z² / 2 factorial + z^4 / 4 z^4 / 4 factorial एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर. तो ये सीरीज हमें क्या करना है, पुट करना है cos z के रिप्लेसमेंट में. तो 3z² आ गया हमारे इधर अपॉन 1 - cos का सीरीज कितना आ रहा है, 1 - z² / 2 factorial + z^4 / 4 factorial एंड दिस विल कंटिन्यू. नाउ क्या करेंगे, इस माइनस साइन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं. सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन टू दिस सीरीज ऑफ कॉस, तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 1, 1 - ये प्लस बन जाएगा z² / 2 factorial, ये माइनस प्लस विल बी -z^4 / 4 factorial एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर. नाउ क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये प्लस वन और माइनस वन तो दोनों चल बसे, तो क्या बच रहा है न्यूमरेटर में, 3z² बच रहा है, डिनोमेटर में एक बड़ा वाला सीरीज बचा है. ओके, तो देखो z² दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम. ओके, देयर इज नो इशू. सो न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है 3z² / 2 अपॉन डिनोमेटर में क्या बच रहा था, z² / 2 factorial + -z^4 / 4 factorial एंड दिस विल कंटिन्यू. तो z² से डिवाइड करते दोनों साइड में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमेटर में भी, तो क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा 1/2 factorial - z^2 / 4 factorial एंड दिस विल कंटिन्यू. तो अभी देखो फिर से क्या हो रहा है, 1/2 factorial भी हम
सब में कॉमन होगा, बिकॉज नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, ऑफकोर्स जेड रेस टू 4/6 फैक्टोरियल, तो इसमें भी 2 फैक्टोरियल होगा, तो 2 फैक्टोरियल हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डिनोमिनेटर में से 1/2 फैक्टोरियल बाहर निकाल, तो क्या बचेगा, 1-4 फैक्टोरियल मतलब 24, 24 में से 2 गया कितना बचेगा, 12 बचेगा डिनोमिनेटर में, जेड स्क्वायर एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो 1/2 फैक्टोरियल ऊपर जाकर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइड में जाएगा 2, तो 2 × 3, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच रहा है ये वाला सीरीज 1/20 जेड स्क्वायर एंड दिस इज ओके। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 6 है, और ये सीरीज जो है 1-1/20 जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका इनवर्स है, सॉरी इधर 12 आएगा नॉट 20 ओके, ऑल राइट। तो क्या बच रहा है हमारे पास डिनोमेटर में, ये डिनोमेटर का ऊपर लेके गए तो क्या बच गया हमारे पास, 1/12। अभी मुझे बताओ अगर मैं ये सीरीज देता हूँ आपको 1-z to the inverse, इसका एक्सपांशन क्या होता है, अमित पुनिया, धीमन दास ओके, इनका 3 आ रहा, ऑल राइट, हेलो रेजियस, हेलो विकास सर, गुड इवनिंग। तो चलिए बढ़ते आगे फटाफट, मुझे बताओ 1-z की पावर -1 इसका एक्सपांशन क्या होता है, सो वी नो दैट दिस इज नथिंग बट 1+z + z² एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो क्या होता है, जो माइनस होता है इस प्लस आ जाता है ओके, तो वही दिया हमें, ये जो सीरीज दिया है इसमें ये जेड के जगह पे ये लिख दो, 6 × क्या होगा, 1+ पहला टर्म कौन सा है, 1/12 z² एंड दिस विल कंटिन्यू। आगे के जो भी टर्म्स होंगे ऑब्वियसली 2 के पावर्स में आएंगे, बट हमें क्या चाहिए, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगर आप क्लियरली देखते हो तो क्या होगा, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, ये 6 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 1/2 हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो अगर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हो तो कितना मिल रहा है आपको, हाफ मिल रहा है ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड कितना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर मतलब क्या होगा, a2, तो कितना आ रहा है हमारे पास, हाफ आ रहा है। बट हमें किसका वैल्यू पूछा है, a2 × 6 का, तो 6 × a2 कितना होगा फिर, 6 × ½ will be 3 ओके। सो जिनका भी आंसर 3 आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडीड 3 इज करेक्ट आंसर ओके। तो होपफुली सबको समझ में आएगा क्वेश्चन है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट, किसी स्टेप में अगर डाउट है तो बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा वो स्टेप। सो ये नेट क्वेश्चन था ओके, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3। सो गिव मी कंफर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और नॉट, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली और डू हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से, या मुझे किसी स्टेप में अगर डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगी, फील फ्री टू आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ओके। थैंक यू राहुल कांबड़े, इंद्रेश कुमार फॉर योर कन्फर्मेशन। तो चलो इफ देर इज नो फर्दर क्वेरी देन आगे बढ़ते, देखते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो दिस इज द 2nd क्वेश्चन आई हैव फॉर यू ऑन द स्क्रीन, एक आर दिया मैं ओके, कैसे डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ ऑल जेड सच दैट, जेड किस में से ले रहे हैं हम, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से ले रहे हैं, उसमें जो एक्स दे उस पर कंडीशन क्या दिया है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा एक्स, और जो हमारा वाई उसके लिए कंडीशन क्या है, -11π to 11π इसके बीच में वेरी कर रहा है वाई। तो पूछ रहा है अगर ये टाउ है मेरा ओके ओरिएंटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो देखो क्या बोल रहा है वो ओके, इंद्रेश कुमार इज सेइंग इसका आंसर 11 आएगा, देखते हैं इंद्रेश क्या आता है आंसर इसका। तो चलो फटाफट मुझे बताओ, जो हमें रेक्टेंगल डिफाइन किया है कैसे डिफाइन किया है, सो दिस इज द नाइस रेक्टेंगल दे हैव डिफाइन, जो एक्स हमारा हो रहा है 0 और 1 के बीच में वेरी हो रहा है, यह आ गया हमारा एक्स, जो वाई हमारा किधर से वेरी हो रहा है ओके, तो ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 और ये एक्स इक्वल्स टू 1 है ओके। उसके बाद हम देखते हैं वाई किधर है, -11π, सपोज ये हमारा -11π है और ये हमारा +11π, बिकॉज वाई इक्वल्स टू -11π क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट लाइन होगा जो कट करेगा वाई एक्सिस को, सिमिलरली वाई इक्वल्स टू 11π ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कट करेगा वाई एक्सिस को। तो इसके अंदर जो भी रीजन बन रहा है हमारा, सो लेट मी शो यू द रीजन, तो ये हमारा जो येलो कलर का रीजन फॉर्म हो रहा है बीच में,
दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रीजन. ओके, अभी हमें जो टाउ डिफाइन किया उन्होंने, ओके, सो दिस टाउ क्या दिया है, ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड बाउंड्री ऑफ आर. अभी मुझे बताओ बाउंड्री कौन सा है और वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बाउंड्री. अगर आप बाउंड्री को देखते हो अच्छे से तो बाउंड्री कैसा हो रहा है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड. अभी मुझे बताओ पॉजिटिवली ओरिएंटेड मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, ऑब्वियसली एंटी क्लॉक वाइज. ओके, तो एंटी क्लॉक वाइज आ गया. अभी बात करते हैं न्यूमरेटर की. ओके, तो देखो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप चाहे तो इसको आर्गुमेंट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहे तो इसे रेसिड्यू थ्योरम जो है, ओके, काउची रेसिड्यू थ्योरम, उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है. ओके, तो देखते कैसे बनेगा क्वेश्चन. सो 1/2πi. ओके, तो क्या होता है, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा सॉल्यूशन. तो देखो पहले, सबसे पहले क्या आता है, f(z)/fz(dz), इसका आंसर क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स. ओके, तो यह होगा हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल. तो क्या कहता है आर्गुमेंट प्रिंसिपल, इंटीग्रल ऑफ f(z)/fz(dz) इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स. अब ये जो फंक्शन है हमारा डिनोमेटर में fz, ओके, वो कैसा फंक्शन है, दिस इज अ एंटायर फंक्शन. तो एंटायर फंक्शन के पास कोई भी पोल्स नहीं होता, तो क्या होगा, पोल तो कोई होगा नहीं. अभी देखना है हमें नंबर ऑफ जीरोज. तो अभी e^z-2, इसके जीरोज कितने रहेंगे इस आर के अंदर, ये हमारा आर है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर कितने जीरोज रहेंगे देखें. तो सबसे पहले अगर e^z-2 करता हूं मैं, तो क्या होगा, ये दिस इज नथिंग बट e^z = 2 × 2, ओके, 2 हो जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ z विल बी व्हाट, लॉग ऑफ 2. ओके, तो हमें पता है जो e^z उसका पीरियडिक फंक्शन होता है, ओके, और उसका पीरियड क्या होता है, 2nπi. तो दिस थिंग आई कैन राइट एज, हाउ डू आई कैन राइट दैट, दिस सेम थिंग आई कैन राइट एज e^z-2nπ = 2. तो क्या होगा, दिस इज सेम एज z-2nπ = क्या होगा, log 2 हो जाएगा. ये चाहे तो -2nπ उधर लेके जाओ, z क्या बन गया हमारा, log 2 प्लस 2nπ. नाउ ध्यान से देखो जरा, ये जो हमारे z का वैल्यू मिल रहा है वो किस कितने वैल्यूज है, देर आर इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ z, बट हमें कौन से लेने हैं जो हमारे इस r के अंदर लाई करे वही लेने. अभी देखो अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, log 2 मिलेगा, और log 2 क्या होता है, ऑब्वियसली इससे कम होगा 1 से, तो इधर किधर लाई करेगा log 2, तो log 2 हमारा इधर है. अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, log 2 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2i पाई. तो ऑब्वियसली log 2 2i पाई हमारे रेक्टेंगल के बाहर जाएगा, बिकॉज देखो इधर क्या है, 1 है, तो log 2 पाई मतलब क्या होगा, 6.28 × i होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारे 1 से बड़ा होगा. तो जो इसके बाद n का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ 2 लेता हूँ, ओके, तो सभी के सभी वैल्यूज क्या होंगे, हमारे r के बाहर जाएंगे. तो सिंपली log 2 z = log 2 ऐसा नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारे C के अंदर लाए करते. तो कितने रूट्स मिल रहे हैं, सिर्फ एक मिल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितने रूट्स मिल रहे हैं हमें, हाउ मेनी रूट्स आर वी आर गेटिंग, 1. और पोल कितने हैं, ये एंटायर फंक्शन है तो पोल तो 0 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा. तो आंसर इज 1, ओके, नॉट 11, आंसर इज विल बी 1. तो होपफुली सबका आंसर 1 होगा. अभी हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन, बट दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले, तो ध्यान से देखो कैसे करना है. तो अभी हम करेंगे रेसिड्यू थ्योरम का यूज इधर, तो लेट मी इरेज दिस, होपफुली सबको समझ में आ गया ये मेथड. दूसरे मेथड से करके बताओ, ये आपको समझ जाएगा, रेसिड्यू थ्योरम से कर लेंगे आप. तो सेम क्वेश्चन आप रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखो, मैं बता ही देता हूँ, ओके, जिनको नहीं आएगा मैं देखो. तो हमने देखा था जो सिमिलरिटी है क्या आ रहा है, z = log 2 हमारे C के अंदर आ रहा है. सपोज ये मेरा कैंटोर है, ओके, इसके अंदर आ रहा है, तो क्या इस पे रेसिड्यू निकालते हैं. सो रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन f एट log 2 कैसे निकालते हैं हम, लिमिट z → log 2 z - log 2 into फंक्शन क्या, e^z - 2. तो अभी क्या करेंगे, अगर z = log 2 पुट करता हो तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा एंड ऑब्वियसली डिनोमेटर भी 0 हो जाएगा. ऑलराइट, तो क्या होगा, न्यूमरेटर 0 होगा तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अभी एल हॉस्पिटल लगाएंगे. तो एल हॉस्पिटल क्या करता है,
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ले लो और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ले लो, ओके, सो दैट जीरो बाय जीरो फॉर्म विल वैनिश। तो अभी देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जेड माइनस लॉग टू ई टू द पावर जेड का डेरिवेटिव ई टू द पावर जेड, फिर से ई टू द पावर जेड एज इट इज और जेड माइनस लॉग टू का डेरिवेटिव वन आऊगा, और डिनोमिनेटर में आएगा सिंपली ई टू द पावर जेड। तो अभी मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ दोनों साइड में, जेड टेंस टू लॉग टू, तो पहला टर्म तो वैनिश होगा और दूसरा टर्म क्या होगा, ई टू द पावर जेड और ई टू द पावर जेड, तो ई टू द पावर लॉग टू अपॉन ई टू द पावर लॉग टू, तो फिर से कैंसिल होगा, आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो रेसिड्यू कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड क्या होता है, टू पाई आई इंटू समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यू, टू पाई इधर लेके जाओ तो क्या होगा, वन अपॉन टू पाई आई इंटू एफ जेड डी जेड, तो रेसिड्यू एक ही है हमारे पास, तो रेसिड्यू कितना आया था हमारे पास, वन, तो इससे भी आंसर हमें वन ही मिल रहा है, ओके। सो आंसर कितना होगा, आंसर विल बी सिंपली वन, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी वन नॉट इलेवन। तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया और दोनों मेथड से हमें आंसर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ओके। सो चलिए बढ़ते आगे, सो व्हाट दे हैव गिवन इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर थ्री टू आर, ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड सच दैट डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ सिक्स दिया। अभी देखो क्या दिया उन्होंने, डाइवर्जेंस कितना आ रहा है हमारे पास इस डेल एफ का, सिक्स आ रहा है, ओके। तो एस हमें सर्फेस दिया, कैसे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और एन कैप हमारे पास एक यूनिट वेक्टर दिया है, तो पूछ रहे हैं डबल इंटीग्रेशन एस डेल एफ एन कैप डी एस का वैल्यू बताओ मुझे कितना होगा। तो इसमें बताओ मुझे आंसर कैसे अप्रोच करना है, व्हाट विल बी द विच विल द थ्योरम विल वर्क फॉर यार, प्रवीण कुमार सिंह 8 पाई होगा, शिवानी यादव इज ऑल्सो सेइंग 8 पाई, विशाल विश्वास इज सेइंग 8 पाई। तो चलिए देखते क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हमें पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एन कैप डी एस क्या होता है हमारा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार डी वी, ओके। तो ये वाला थ्योरम लगाएंगे हम, तो कौन सा थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो जी डी टी लगाएंगे इधर और देखते क्या मिलता है। तो इधर देखो हमारे पास यूजुअली क्या होता है, एफ बार होता है, बट इधर क्या आ गया हमारे पास, डेल एफ आ गया, तो डेल एफ के जगह पे हम एफ बार रिप्लेस करेंगे। तो एफ बार एन कैप डी एस क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जो भी फील्ड दिया है डेल एफ ऑफ डी वी। देखो डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया, कितना आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ इज ऑलरेडी सिक्स, तो इसका वैल्यू कितना है, सिक्स डी वी, तो सिक्स तो कॉन्स्टेंट है हमारा, ओके, सिक्स गया बाहर, अंदर क्या बच रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल वन डी वी। अभी मुझे बताओ ट्रिपल इंटीग्रेशन वन डी वी का क्या देता है हमें, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन वन डी वी, तो सी यार जो सिंगल इंटीग्रेशन वन डी एस होता है वो क्या देता है हमें, लेंथ देता है किसी भी कर्व का, डबल इंटीग्रेशन डी एस क्या देता है हमें, किसी भी डोमेन पे क्या देता है हमें, एरिया देता है, बट ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर सम वॉल्यूमेट्रिक रीजन डी वी क्या देता है हमें, ये वॉल्यूम देगा, ओके। तो सिंगल इंटीग्रेशन हमेशा लेंथ देता है किसी भी कर्व का, ये सपोज डबल इंटीग्रेशन ले रहा हो तो हमें एरिया देगा किसी भी सरफेस का, और अगर मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक रीजन है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन वन डी वी हमें वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, ओके। तो इधर मेरे सरफेस कौन सा है, सरफेस दिया हमें स्फेयर दिया, ओके, स्फीयर ऑफ रेडियस वन, तो मुझे बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, वेरी गुड शिवानी, इंडीड इट विल गिव अस वॉल्यूम, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये स्फीयर है मेरे पास तो क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, तो ये आ गया 4/3 पाई, रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस है 1 का क्यूब, 3 1 3 3 2 6 तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 पाई, ओके। तो किसका किसका आंसर 8 पाई आया था, विश्वजीत सरकार का 8 पाई आ रहा है, वेरी गुड, नसीब सिंह का भी 8 पाई आ रहा है, अमन राज इज ऑल्सो गेटिंग 8 पाई, ओके, अमित पुनिया इज ऑल्सो गेटिंग 8 पाई आई, ऑल राइट, प्लस माइनस क्यों लिखा अमित, आउटवर्ड नॉर्मल है, ओके, तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका आंसर 8 पाई किसका किसका आया, जिन्होंने भी
8 पाई आंसर मार्क करके आए थे एग्जाम में, इनडीड 8 पाई इज करेक्ट, ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते क्या प्रोवाइड किया हमें थर्ड क्वेश्चन में। दिस वॉज माई फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस कैलकुलस सेक्शन, ओके। तो इसमें क्या दिया है, एफ इज फ्रॉम आर टू टू आर, डिफरेंशियबल फंक्शन दिया है, एंड डी यू एफ एट 0 0 एंड डी वी एफ एट 0 0। तो दो डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रोवाइड किया है, ओके, एंड डायरेक्शंस उन्होंने ऑलरेडी दिया है, यू इक्वल्स टू 1/√5, 2/√5, एंड वी दिया है 1/√2 -1/√2। तो यूजुअली होता क्या है, देखो यूजुअली क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन देते हैं वो क्या देता है, यूनिट वेक्टर नहीं रहता, बट हमें ऑलरेडी उन्होंने यूनिट वेक्टर प्रोवाइड किया है, ओके। तो क्या दिया है, यूनिट वेक्टर्स क्या दिया उन्होंने, 1/√5, 2/√5 एंड 1/√2 -1/√2, ये दोनों यूनिट वेक्टर प्रोवाइड किया। और क्या दिया हमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया है 0 पे ओरिजिन पे √5 अलोंग द डायरेक्शन यू, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग वी उन्होंने दिया है √2। तो पूछ रहे हैं एफ एक्स एट 0 0 एंड एफ वाई एट 0 0, इन दोनों का एडिशन कितना होगा। तो देखो क्या दिया, सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग सम पॉइंट ए बी, निकालते कैसे हम, कैसे निकालते हैं? मुझे फॉर्मूला बताओ, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ओके, कौन सा पॉइंट है, ए बी, डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम सब जगह। तो डी यू एफ एट 0 0 मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 0 0, ओके, अलोंग द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। अभी देखो जो यू दिया है, मैं ऑलरेडी यूनिट वेक्टर दिया है, सिंपली यू का यू रखेंगे, यू क्या आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज यू इज ऑलरेडी यूनिट वेक्टर। सिमिलरली डी यू एट एफ एट 0 0 कितना दिया हमें, √5 दिया है। अभी देखो एफ का वैल्यू कितना हमें पता नहीं है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ होता क्या है अपने पास, सिंपली एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में लिखता तो क्या होगा, एफ एक्स कॉमा एफ वाई आ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स कॉमा एफ वाई, और यू कितना दिया मेरे पास, 1/√5 कॉमा 2/√5। तो ये दोनों क्या है, वेक्टर्स है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सिंपली कंपोनेंट वाइज, तो एफ एक्स अपॉन √5 प्लस 2fy अपॉन √5, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में मेरे पास है √5। तो ये √5 कॉमन निकलेगा, तो एफ एक्स प्लस 2fy अपॉन √5। तो ये √5 लेफ्ट साइड में भेजो तो क्या बनेगा, इस √5 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, √5 × √5 विल बी 5। तो क्या मिल रहा है हमें, एफ एक्स प्लस 2fy = 5। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो अभी सेकंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डी वी एफ एट 0 0 √2 दिया है, वो भी निकाल लेते हैं। नाउ डी वी एट एफ एट 0 0 कितना दिया हमें, इट इज गिवन टू बी √2। तो डी वी होता क्या हमारा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ओरिजिन डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग वी। अभी यूनिट वेक्टर वी हमारा ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, ओके, तो अलग से यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, और जो √2 हमारा एज इट इज बैठा है शांत बाहर। अभी जो ग्रेडियंट एफ हमारा वो क्या होता है, एफ एक्स कॉमा एफ वाई, एंड वॉट इज माई वी, 1/√2 -1/√2। चेक करते एक बार बराबर लिखा है क्या, ऑल राइट, और राइट साइड में हमारे पास √2। तो ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते क्या आता है। तो कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर किया है 4 4, ओके, चेक करते कि उतना आता है हमारा या नहीं। एफ एक्स ये माइनस एफ वाई, और ये √2 हमारा बाहर होगा, तो √2 मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो हमें चाहिए क्या, एफ एक्स और एफ वाई चाहिए, तो एफ एक्स और एफ वाई हमारा वेरिएबल बन रहा है, ओके, दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एफ एक्स एंड एफ वाई, दो वेरिएबल है, तो दोनों सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, एफ एक्स प्लस 2fy = 5 आ रहा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 था। तो अभी क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 2fx माइनस 2fy = 4, ये मिल गया इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते देखते क्या मिलता है, एफ एक्स प्लस 2fx विल बी 3fx, ये 2fy और माइनस 2fy दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 5 + 4 9। तो 3fx = 9 मतलब क्या होगा, fx हमारा आ गया 3। तो fx मिल गया, अभी चाहिए हमें fy चाहिए। तो fy के लिए कैसे मिलेगा, तो सेकेंड वाला इक्वेशन यूज करो, तो fy क्या होगा हमारा, fy विल बी fx माइनस 2, तो दैट मीन्स वॉट, 3 - 2 विल बी 1, तो एफ वाई आ गया हमारे पास 1। तो अभी क्या चाहिए हमें, एफ एक्स एट 0 0 प्लस एफ वाई एट 0 0, तो दोनों का एडिशन चाहिए सिंपली। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई कितना होगा, एफ एक्स तो 3 है, एफ वाई 1 है, तो आंसर आएगा 4। तो जिनका भी आंसर 4 आया है, इंडीड आंसर इज 4 करेक्ट, एंड यू आर गोइंग टू गेट
टू मार्क्स करेक्ट लिया, ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑलराइट, तो इसमें आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए ये जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया, किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है, इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी स्टेप, जस्ट लेट मी नो, इफ देयर इज एनी क्वेरी इन एनी स्टेप जस्ट लेट मी नो। प्रवीण का आया आंसर 4, अमन, धीमन दास, शिवानी यादव, अमित पुनिया, विश्वजीत सरकार, विशाल विश्वास, अमन राज, नसीब सिंह बुद्ध, ओके, इन सब का आंसर 4 आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आपका सभी का आंसर जो एग्जाम में आपने मार्क करके आए थे 4 इज इंडीड करेक्ट। विशाल विश्वास, इन विच स्टेप यू हैव डाउट जस्ट लेट मी नो, कौन सी स्टेप में आपको डाउट है, ओके। तो चलो होपफुली ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया है उसमें। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, एफ एक्स वाई इज गिवन टू बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स वेन एवर एक्स इज नॉन जीरो एंड इफ इट इज जीरो फंक्शन टेक्स वैल्यू 0। तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई दिया है और हमें बाय वैल्यूड फंक्शन दिया है और क्या पूछ रहा है वो, कंटिन्यूस पी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया पी एंड क्यू। तो पहले स्टेटमेंट तो क्या बोल रहा है वो, एफ कंटिन्यूस तो है 0 पे बट नॉट डिफरेंशियबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 एग्जिस्ट इन डायरेक्शन ऑफ एवरी यूनिट वेक्टर। तो चलो चेक करते दोनों, पहले चेक करते हम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी आने के बाद चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी आता है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते किसी भी फंक्शन का, अगर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे चेक कर रहे हैं ना, इसलिए एक्स वाई टेंस टू 0 0 कर रहे हैं हम ऑफ एफ एक्स वाई। तो अगर ये आ जाता है हमारा एफ एट 0 0 की, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो चलिए देखते कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 देखते कितना होगा, एफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, एफ एक्स वाई कितना मेरे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ओके। तो हमें पता है एज एक्स वाई टेंस टू 0 0 क्या होगा, ये टर्म तो 0 की तरफ जाएगा और हमें पता है साइन फंक्शन कैसा रहता है, हमेशा बाउंडेड होता है, ओके, साइन बाउंडेड होता है और ये कैसे जाएगा, हमारा 0 की तरफ अप्रोच होगा, तो इसका लिमिट भी क्या आएगा, 0 विच इज नथिंग बट एफ एट 0 0। तो फंक्शन तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी में कोई इशू नहीं है। तो अभी बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चेक करने से पहले हम चेक करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो पार्शियल डेरिवेटिव है कि नहीं देखते, तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं हम, एफ एक्स एट 0 0 कैसे लिखते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन एच। तो ना ध्यान से देखो जरा, लिमिट एच टेंस टू 0 0 एफ एट एच 0 कितना होगा हमारा, अगर मैं देखता हूँ फंक्शन को अच्छे से तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर साइन ऑफ वाई स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर अपॉन एच डिवाइड बाय एच, और ये एफ एट 0 0 तो ऑलरेडी 0 दिया। तो अभी क्या करेंगे, इसको इवेल्यूएट करेंगे फर्दर एच टेंस टू 0, तो रूट ऑफ एच स्क्वायर कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल रूट, तो क्या आएगा साइन ऑफ 0 आ रहा है, साइन 0 तो 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा टर्म 0 होगा, तो एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट हो रहा है, ओके। तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट हो रहा है। अभी बात करते हैं एफ वाई की, एफ एट 0 0 कितना होगा, लिमिट के टेंस टू 0 एफ एट 0 k माइनस एफ एट 0 0 अपॉन के, लिमिट के टेंस टू 0। अभी ध्यान से देखो जरा, एफ एट 0 k होगा कितना हमारा, एफ कितना हमारे पास, एफ इज अवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट साइन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो क्या करना है, जिधर एक्स दिख रहा है उधर पुट क्या करना है हमें, 0 पुट करना है, और जिधर के दिख रहा है उधर पुट करना है, जिधर वाई दिख रहा है उधर के पुट करना है। तो क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब क्या होगा, वाई कितना हमारा के का स्क्वायर अपॉन साइन, इधर 0 आएगा एंड दिस इज ऑलरेडी 0। तो अभी देखो साइन के स्क्वायर अपॉन 0 मतलब क्या होगा, साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी कभी डिफाइन होता है क्या, साइन इन्फिनिटी इज नेवर डिफाइंड, ओके। तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। सो इसका जो एफ वाई होगा इट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ में आ रहा क्यों नहीं हो रहा एग्जिस्ट,
वाई अवर एफ वाई इज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज साइन इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू की तो हम बात ही नहीं कर सकते. सो एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट बट एफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है. तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो पी कंटिन्यूस आ रहा है बट एफ इज नॉट अ डिफरेंशियबल. तो देखो उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते. तो हमारा पी स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा. अभी बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू एट जीरो जीरो एग्जिस्ट इन द एवरी डायरेक्शन. अभी ध्यान से देखो जरा, अगर हमारा एफ वाई एग्जिस्ट नहीं हो रहा, अभी एफ वाई होता क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलॉन्ग द वाई एक्सिस. ओके, एफ वाई मतलब क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस. ओके, सो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस. तो हमें पता है कि एफ वाई तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा इस डायरेक्शन पे, तो हम कैसे बोलेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हर एक डायरेक्शन के लिए एग्जिस्ट हो रहा है. तो एक डायरेक्शन हमें ऐसा पता है जिस पे डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, और कौन सा डायरेक्शन है वो, अलॉन्ग द वाई एक्सिस. ओके, सो अलॉन्ग द वाई एक्सिस डायरेक्शन इज डेरिवेटिव इज डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और पी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ओके, सो विच इज करेक्ट, पी इज ट्रू हो रहा है बट क्यू फॉल्स हो रहा है. समझ में आ रहा है, सेकंड क्यू क्यू फॉल्स हो रहा है बिकॉज डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलॉन्ग द वाई एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. तो चलिए बढ़ते आगे, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस गेट 2021. तो वी हैव गिवन वन सॉलिड रीजन इन R3. ओके, एंड हाउ डू यू डिफाइन दिस पैराबोलाइड. तो देखो पैराबोलाइड ऐसे डिफाइन किया कुछ, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो दिस इज द पैराबोलाइड वी हैव गिवन. और क्या दिया है, वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन पैराबोलाइड, एंड दिस प्लेन वाई इक्वल्स टू 4. ओके, ठीक है, तो ये दो प्लेन हमें प्रोवाइड किए उन्होंने. तो देखते हैं हमें क्या पूछा उन्होंने, इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, 15 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वी. ऑल राइट, और हमें जो y का रेंज दिया, y किधर से स्टार्ट हो रहा है, y स्टार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, और किधर खत्म हो रहा है, y इक्वल्स टू 4 पे. सो दिस इज माई y इक्वल्स टू 4, इधर एंड हो रहा है, और किधर से स्टार्ट हो रहा है, इस पैराबोलाइड से, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर. ओके, सो कैन आई राइट दिस डी वी एज, ये 15 तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर भी निकाल सकते हैं हम, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज जेड स्क्वायर ना. तो इस डी वी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सो कैन वी राइट दिस डी वी एज डी वाई डी एक्स डी जेड. नाउ सी वाई वी आर राइटिंग दिस डी वाई फर्स्ट एंड नॉट डी एक्स और डी जेड, बिकॉज जो डी वाई हमारा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, इट विल बी कॉन्स्टेंट. ओके, तो कॉन्स्टेंट होगा तो हमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन सिर्फ वन का लेना पड़ेगा. तो हमारे इस सीन में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन निकालना ईजी हो रहा है. सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग डी वाई फर्स्ट एंड नॉट डी जेड एंड डी एक्स. ओके, तो देखते आगे क्या होता है, दिस 15 तो हमारा बाहर चला गया, अंदर बच रहा है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गया बाहर, और ये इंटीग्रेशन डी वाई वन का लेना पड़ेगा. अभी समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यों बाहर गया, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू वाई इट विल ट्रीट एज ए कॉन्स्टेंट. ओके, और वाई किधर से किधर जा रहा है हमारा, वाई जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4 तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से 4 तक हमारा वेरी हो रहा है. ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट डी एक्स डी जेड. ओके, सो सपोज हम क्या करेंगे, अभी आगे जाके पोलार में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो जरा, अगर ये मेरा क्या ऊपर आप देखते हो तो एक डिस्क बन रहा है, अगर डिस्क को मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में, तो क्या बनेगा, एक नीचे एक सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा एक्स जेड प्लेन में. तो सर्कल जब भी बनता है, जब भी आपको सर्कल दिखता है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, और एनी अदर प्लेन में, तो क्या करो, इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू पोलार फॉर्म. तो पोलार फॉर्म में क्या होता है, हमारा काम और भी आसान हो जाता है. ओके, सो दैट्स वाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू पोलार फॉर्म. तो चलो देखते आगे जाके क्या होता है, दिस इज 15 डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिंपली वाई होगा अपर लिमिट, 4 लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ऑल राइट, और जो बाहर है हमारा डी एक्स डी जेड है. तो अभी डी एक्स डी जेड हमने देखा, डी एक्स डी जेड प्लेन में क्या हो रहा है, हमें एक सर्कल मिल रहा है. अभी मुझे बताओ,
ये सर्कल जो हमें मिल रहा है एक्सजेड प्लेन में, उसका रेडियस क्या होगा? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इन एक्सजेड प्लेन? तो अगर आप एक्सजेड प्लेन की बात करते हो तो देखो वाई का वैल्यू 4 रखो, किसमें? इधर रखो, तो क्या होगा? 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट 4 मतलब क्या होता है हमारा 2 स्क्वायर। तो हमें जो सर्कल मिल रहा है एक्सजेड प्लेन में वो क्या हो रहा है? दो रेडियस वाला सर्कल बन रहा है। ओके, तो ये दो रेडियस वाला सर्कल है, तो अभी इसे पोलर फॉर्म करना आसान हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या करते हैं हम? आर कॉस थीटा पुट करते हैं एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करते हैं। तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो चलिए फटाफट आगे सॉल्व करते हैं। डबल इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? तो जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ले रहे हैं हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सजेड प्लेन नॉट एक्स वाई प्लेन। तो मैंने देखो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिया है और जेड इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिया, तो अभी ये क्या बन जाएगा हमारा? दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा? सिंपली आर होगा, ये 4 माइनस ये क्या होगा? आर का स्क्वायर, और ये डी एक्स डी जेड क्या बन जाएगा हमारा? आर डी आर डी थीटा। तो अभी देखो बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता ये आर आया किधर से, तो कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आर जो हम एक्स्ट्रा लिखते हैं वो क्या होता है? शिवानी यादवी सिंह 128 पाई, वेरी गुड शिवानी, इंडीड 128 पाई इज करेक्ट। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ये जो हम जब कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा आर आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई डू वी राइट आर एक्स्ट्रा? मिस्टर डीबी जो आईडी है वो सेइंग आंसर 1 विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। याकोबियन श्रीधर इज सेइंग याकोबियन, प्रतीक सिंह इज ऑल्सो सेइंग याकोबियन, वेरी गुड, योर एनालिसिस इज करेक्ट। तो जो हम आर लिखते हैं एक्स्ट्रा वाला उसको क्या रहता है? याकोबियन रहता है। अभी मुझे बताओ ये याकोबियन किसका रहता है? दिस इज ए याकोबियन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। ओके, जो भी पैरामीटराइजेशन हमने लिया है सर्कल का दैट विल बी आवर व्हाट? याकोबियन। ओके, तो फटाफट देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें। ये आर क्या होगा? आर स्क्वायर होगा, तो मल्टीप्लाई करो 4 आर स्क्वायर माइनस ये आर रेस टू 4 बन जाएगा डी आर डी थीटा। अभी मुझे बताओ जो आर हो रहा है किधर से किधर वेरी हो रहा है? जो रेडियस है हमारा, रेडियस स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और किधर खत्म हो रहा है? इस सर्क्यूमफेरेंस में, मतलब रेडियस जो है हमारा 0 से लेकर 2 तक भाग रहा है, तो रेडियस हमारा 0 टू 2 है। और जो एंगल कितना कवर हो रहा है पूरे पैरामीटराइजेशन में? 0 से लेकर पूरा 2 पाई होता है। ऑलराइट, तो ये 0 से 2 पाई हमारा होगा टोटल एंगल। ऑलराइट, सो नाउ क्या करेंगे? सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका? तो सिंपली अभी हमारा 70-80% काम हो चुका है, अभी सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, देखते क्या मिलता है। तो दिस इज 15 हमारा बाहर बैठा है, 2 पाई टू 0 4 आर क्यूब बाई 3 माइनस आर रेस टू 5 बाई 5 ओवर 0 टू 2। ओके, और ये डी थीटा एक बाहर बैठा, तो 15, तो अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्या होगा? 4 इंटू 2 क्यूब मतलब 8, 8 फोर जा 32 अपॉन 3 माइनस 2 रेस टू 5 विल बी 32 बाई 5। ऑल राइट, और जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 2 पाई डी थीटा ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी व्हाट? ये कॉन्स्टेंट तो बाहर जाएगा, अंदर बचेगा सिंपली 1 डी थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपली 2 पाई आएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, 32 तो कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, तो क्या होगा? 5 माइनस 3 विल बी 2 बाई 15 इंटू 2 पाई, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 15 15 दोनों चल बसे, 32 इंटू 2 विल बी 64, 64 टू जा 128। तो 128 किनका किनका आंसर आया था? लेट मी लो, देखो अमृता मुले सिंह कैन वी से अगर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट होते हैं जो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियबल नहीं है, फिर भी उनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे और एग्जिस्ट होके कंटिन्यूस भी आ रहे हैं। ओके, तो देर आर एग्जाम्पल्स इन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इन विच व्हाट हैपेंस, फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है बट उसके पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं हो रहे वो दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स है, सो जिनका भी आंसर 128 पाई मार्क करके आए थे एग्जाम में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग टू गेट 2 फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था एंड ये क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप का। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके ऑल राइट. सो होपफुली सभी ने एग्जाम में करेक्ट मार्क करके आए रहेंगे. ऑल राइट, तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं हमने क्या दिया है. ऑल राइट, सो दिस वॉज द सिंपल क्वेश्चन. ये वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था. ओके सो ये जो क्वेश्चन दिया है हमें क्या दिया है? देखो लिखते हैं इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ओवर दिस टाउ 1 - y² dx + x dy. ओके, और जो हमें रेक्टेंगल प्रोवाइड किया गया है, देखो दिया है, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है ओरिजिन 0, 0, उसके बाद है 2, 0, मतलब इधर किधर आएगा, 2, 2 इधर आएगा एंड 0, 2 इधर आएगा. तो यह आ गया हमारा रेक्टेंगल. ओके, तो यह हमारा रेक्टेंगल आ रहा है. अभी बात करते हैं इंटीग्रेशन की. तो देखो हमें पता है ग्रीन थ्योरम क्या कहता है. तो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज रीजन इज नथिंग बट व्हाट द डबल इंटीग्रल ऑफ, क्या कहते हैं ग्रीन थ्योरम मुझे बताओ. और ग्रीन थ्योरम इधर लगेगा भी या नहीं? ओके, प्रवीण कुमार सिंह, ग्रीन थ्योरम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा. ऑल राइट, तो क्या कहता है ग्रीन थ्योरम? लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ओवर डी. डी क्या होगा? अभी देखो सी और डी मतलब है क्या इधर? वॉट इज सी एंड वॉट इज डी? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए इसमें सी और डी क्या है. तो जो हमारा सी है वो क्या है? इस आर का बाउंड्री है. ओके, और जो डी दिया है, डी मतलब हमारा आर है. ओके, तो जो भी इंटीरियर पोर्शन है सी का वो हमारा डी रहता है. तो क्या होता है एन डी एक्स एम डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई. ओके, तो फटाफट निकालते डेरिवेटिव, डबल इंटीग्रेशन ओवर डी. ओके, डी मतलब हमारा आर हो जाएगा. ओके, इनटू इसका एम, एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है. ओके, एन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना क्या होगा? 1 होगा. माइनस इस एम का विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है डिफरेंशिएटेड. क्या होगा? 1 का तो 0 होगा, माइनस वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा. इनटू डी एक्स डी वाई विल बी एज इट इज. देखते हैं अभी आगे जाके क्या मिलता है. 1 माइनस माइनस प्लस 2y डी एक्स डी वाई, और ओवर d क्या हमारा? d इज दिस रीजन. तो देखो जो हमारा x जा रहा है किधर से किधर जा रहा है? इफ़ यू लुक एट x, x हमारा जा रहा है 0 से लेकर 2 तक, और जो हमारा y जा रहा है वो भी 0 से लेकर 2 तक जा रहा है. तो 0 to 2 दोनों का लिमिट होगा. तो अभी देखो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? 1 + 2y कॉन्स्टेंट होगा, तो 1 + 2y हमारा जाएगा बाहर. तो 1 + 2y गया बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा? सिंपली 1 आएगा. तो क्या आ जाएगा? दिस इज, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. 0 to 2 1 + 2y एज इट इज, और इंटीग्रेशन कितना था? x का आएगा अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, और यह हमारा dy बाहर है. तो 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लेते हैं. इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 1 का कितना हो जाएगा? y, और 2y का y square by 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ओवर 0 to 2. 2 × 2 + 2 का स्क्वायर 4, 2 × 6 विल बी 12. तो किसका किसका आंसर 12 आ गया है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. जो मिस्टर डी बी आई डी है उनका 12 आ रहा है. शिवानी यादव, प्रवीण कुमार, अजय राम, नसीब सिंह, सुरभि प्रजापति. ओके, इन सभी का आंसर 12 आ रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडीड 12 इज करेक्ट आंसर. ओके, जिन्होंने भी 12 आंसर मार्क करके आए थे, यू आर गोइंग टू गेट 1 mark. ओके, ये 1 mark के लिए क्वेश्चन था हमारा. इसके लिए आपको पूरा 1 mark मिलेगा इफ़ यू हैव सॉल्व एंड रिटन आंसर 12. तो होपफुली सभी ने सॉल्व किया रहेगा करेक्टली. ओके, तो इज देर एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन? जस्ट लेट मी नो. सो अब तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ओके, सो होपफुली सबको सभी क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए समझ में आ रहेंगे. तो चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बट बिफोर दैट, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ओके, आई कैन सी देर आर 36 कॉन्करेंट व्यूवर्स बट देर आर ओनली 18 लाइक. तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए. सो लेट मी सी वू हैव लाइक आवर वीडियो. तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ओके, देर आर 34 कॉन्करेंट व्यूवर्स नाउ बट देर आर ओनली 18 लाइक्स. तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए फटाफट, सो दैट हम आगे बढ़ सके. थैंक यू.
ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग अवर वीडियो। तो नाउ बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, तो क्या दिया है, काउंटिंग जीरोज ऑफ अ एनालिटिक फंक्शन। सो नंबर ऑफ जीरोज पूछा, देखो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जीरोज के आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको दिमाग में एक ही थ्योरम रहना चाहिए। कौन सा थ्योरम? राउची थ्योरम। ओके, राउची थ्योरम इज अ वन थ्योरम विच हेल्प यू टू फाइंड और टू काउंट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो राउची थ्योरम क्या कहता है। सो सपोज एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शंस ऑन सपोज डी इज डोमेन, ओके, सच दैट एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जी जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डोमेन, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ प्लस जी एंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जी आर सेम। ओके, ऑलराइट, तो क्या हो रहा है, ये राउची थ्योरम है, ये राउची थ्योरम। ओके, मैथ्स पॉइंट का जो आइडिया वो बोल रहे मैथ्स के क्वेश्चन। ओके, ये जो मैं अभी जो लिख रहा हूँ पीपीटी में, वो पीपीटी में जैसे हमारा लाइव खत्म होता है ये पीपीटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, डोंट वरी, तो आप डायरेक्टली वो पीपीटी उठा सकते हो उधर से एंड यू कैन सी दी आंसर्स देयर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ पीटीएफ। तो चलिए इस थ्योरम का यूज करते हैं हम और फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितने रहेंगे। तो देखो देर आर टू डोमेन, सो क्या दिया हमें, एनालिस दिया है। सो दिस इज द एनालिस दे हैव गिवन। तो पहला दिया रेडियस वन वाला, ओके, और दूसरा दिया रेडियस सेवन वाला। तो इसके बीच में जो भी रीजन हमें दिया है दैट वी हैव टू कंसिडर। ओके, ये रीजन हमें कंसिडर करना है। तो इसके इस येलो रीजन में जितने भी रूट्स आ रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेंगे नंबर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो मॉड जेड इक्वल्स टू वन रेडियस वाला सर्कल है उसके ऊपर कितने रूट्स हो रहे हैं, इसके अंदर कितने रूट्स आ रहे देखते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लेट सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एफ और जी आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ये एफ और जी करेक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली व्हाट इज़ एफ एंड व्हाट इज़ जी, तो आपका आधा काम उधर ही हो गया। ओके, तो देखो हमें कैसे जी चूज़ करना है। जी जेड आप ये ले लो, सेवन आई जेड ले लो, ओके, और एफ जेड आप ये ले लो जो बचा हुआ पॉलीनोमियल है। तो सेवन आई जेड को छोड़ के जितना भी बच रहा है लिख लो, थ्री जेड रेज़ टू फाइव प्लस टू वाई जेड स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया हमारा ये पॉलिनोमियल एफ जेड जो भी बचा हुआ है। तो अभी देखते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस सर्कल। ओके, तो अभी मॉड एफ जेड की वैल्यू देखते कितना आते हैं। मॉड एफ जेड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होगा, थ्री जेड रेस टू फाइव प्लस टू आई जेड रेस टू टू प्लस वन। ओके, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मॉड क्या कह सकते हैं हम, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू थ्री इंटू मॉड जेड का पावर फाइव प्लस टू आई, अभी टू आई का मॉड कितना होता है, दो होता है, इंटू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस वन का मॉड वन होगा। तो यह हो गया हमारा। अभी देखो हम किस पे ले रहे हैं, मॉड जेड इक्वल्स टू वन, इस सर्कल पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स देख रहे हैं। तो मॉड जेड का वैल्यू वन पुट करो इधर, क्या होगा, थ्री इंटू वन का पावर फाइव वन होगा, प्लस टू इंटू वन का पावर टू टू होगा प्लस वन, तो कितना आ रहा है, ये हमें सिक्स मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं मॉड जी जेड की बात करता हूँ, ओके, तो मॉड जी जेड कितना मिलेगा हमें, सेवन आई जेड का पावर वन। ओके, सेवन आई का मॉड कितना होगा, सेवन होगा, और ये कितना होगा, मॉड जेड, तो मॉड जेड तो वन है हमारा, तो क्या आएगा आंसर, सेवन आएगा। तो जो सेवन है वो क्या हमारा, मॉड जी जेड का, मॉड जी जेड का वैल्यू है। तो सिक्स हमारा क्या होता है, हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा सेवन से, और सेवन क्या हमारा, मॉड ऑफ जी जेड। ऑलराइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, मॉड एफ जेड क्या आ रहा है, सिंपली लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है जी जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दिस सर्कल जेड फॉर विच मॉड जेड इक्वल्स टू वन। तो हमें क्या मिल रहा है, एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू जी जेड मिल रहा है। तो बाई यूजिंग
राउची थ्योरम क्या कह सकते हैं, इसके जितने भी रूट्स रहेंगे ओके जी के जितने भी रूट्स रहेंगे उतने रूट्स एफ प्लस जी के रहेंगे। एफ प्लस जी मतलब क्या है मेरा, अगर मैं इस एफ को ओके इस एफ को और इस जी को दोनों को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से पी जेड मिलेगा। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी इज सिंपली नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी। ओके पी मतलब हमारा पॉलिनोमियल। तो कितने रूट्स आ रहे जी के पास, जी के पास अगर आप देखते हो तो जी के पास कितने रूट्स रहेंगे, ऑब्वियसली एक ही रूट्स रहेगा बिकॉज जी क्या हमारे पास 7iz, तो इसके ऑब्वियसली एक ही रूट रहेंगे। रूट कैसे निकालते हैं, जी को इक्वेट करो जीरो से तो जो भी रूट्स आएगा वो हमारा क्या होगा, जीरोज होगा। तो कितने रूट्स मिल रहे जी के, वन रूट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एफ प्लस जी मतलब हमारा पी के भी कितने रूट्स रहेंगे, एक ही रूट रहेंगे। तो हमारे सर्कल के अंदर, यूनिट सर्कल के अंदर कितने रूट्स आ रहे हैं, यूनिट सर्कल के अंदर एक रूट आ रहा है। ओके अभी बात करते हैं सर्कल ऑफ रेडियस 7 की। तो नाउ टॉक अबाउट मॉड जेड इक्वल टू 7। तो इस पर बात करते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के पी जेड को देखता हूँ तो हमें क्या भी फिर से एफ जेड और जी जेड अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी व्हाट इज आवर वैल्यूज ऑफ एफ जेड एंड जी जेड। सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। तो अगर आप देखते हो तो सिंपली इसको जी जेड मान दो और जो भी बचा हुआ पॉलिनोमियल उसको एफ जेड ले लो। तो जी जेड क्या है मेरा, जी जेड ले लो ये 3z के सर पे 5 और जो बचा हुआ पॉलिनोमियल एफ जेड है वो आइडेंटिफाई करो 2iz square प्लस 7iz प्लस 1। ओके तो ये हमारा बचा हुआ पॉलिनोमियल है। तो अभी देखो आप देख सकते हो एफ और जी को ऐड करते हैं तो फिर से आपको पी जेड मिलेगा। ऑल राइट तो अभी फिर से क्या करेंगे, इस सर्कल पे मॉड एफ जेड का वैल्यू देखेंगे। तो मॉड एफ जेड कितना होगा हमारा, दिस इज 2iz का स्क्वायर प्लस 7iz प्लस 1। तो क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, लेस देन इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ 2i कितना होगा 2 होगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 7i 7 मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ 1 विल बी 1। तो कितना आएगा वैल्यू, तो मॉड एफ जेड क्या मिल रहा है हमें, लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 7 का स्क्वायर। मॉड जेड का वैल्यू कितना है अभी 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 7 इंटू मॉड जेड इज 7 49 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 49 और यह आएगा 50। ओके जो भी आंसर आएगा वो। तो अभी बात करते हैं मॉड ऑफ जी जेड की। अगर मैं मॉड ऑफ जी जेड की बात करता हूँ तो कितना होगा 3 इंटू जेड का पावर 5। तो क्या होगा 3 इंटू मॉड जेड रेस टू 5, बट मॉड जेड कितना है हमारे पास 7 है तो 7 रेस टू 5। तो क्लियरली आप देख सकते हो जो एफ जेड है हमारा वो क्या होगा, लेस देन हो रहा है 50 से, सॉरी 50 प्लस 2 इंटू 49। ओके बट ये नंबर जो है ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 3 इंटू 7 रेस टू 5 विच इज नथिंग बट आवर मॉड जी जेड। ओके तो एफ जेड क्या मिल रहा है हमारे, लेस देन इक्वल टू जी जेड मिल रहा है फिर से। फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू किस में, इस वाले सर्कल में। इसको नाम देते कुछ तो D2 देते हैं। ओके D2 में क्या हो रहा है फिर, 7 रेडियस वाले सर्कल के अंदर कितने रूट्स रहेंगे। तो एफ जेड हमें मिल रहा है लेस देन इक्वल्स टू मॉड जी जेड। अभी जी जेड के पास कितने रूट्स हैं मुझे बताओ, ऑब्वियसली जे जेड के पास 5 रूट्स रहेंगे। तो जी जेड के पास 5 है तो एफ प्लस जी के पास भी 5 ही रहेंगे बाय यूजिंग राउची थ्योरम। तो एफ प्लस जी मतलब क्या है मेरा, पी जेड। तो फिर से क्या हो रहा है, तो पी जेड के इस 7 रेडियस वाले सर्कल के अंदर कितने रूट्स आ रहे हैं, 5 रूट्स आ रहे हैं। ओके बट हमें जो एक रूट मिल रहा है वो कैसा है, हमारे डिस्क के बाहर जा रहे हैं। ओके तो 5-1 कितना होगा, 4 रूट्स हमारे एनालिस के अंदर आ रहे हैं। ओके सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन एनालिस, देयर आर 4 रूट्स। ओके सुधीर कुमार सिंह क्वेश्चन मार्क कैसे पता चलेंगे, तो क्वेश्चन मार्क जैसे अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, देर इज नो क्लैरिटी ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। ओके बट जो भी हमें पता है उसमें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। ओके तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था मैंने बताया था ये 1 मार्क्स के लिए था। तो जो भी हमें याद है वो बता रहे हैं बट देर इज नो क्लैरिटी अप टिल नाउ अबाउट द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके तो होपफुली ये क्वेश्चन सबको समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर आ रहा है 4। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किन किन ने आंसर 4 मार्क करके आए थे एग्जाम में। प्रवीण कुमार ने आंसर 4 मार्क करके आए थे। ऑल राइट मैथ्स पॉइंट जो आईडी है उसने आंसर, सो व्हाट वाज योर आंसर। ओके मिस्टर डीबी ने आंसर 5 मार्क करके आए थे, नो प्रॉब्लम बट होपफुली आपको समझ में आओगा। इट्स अनकरेक्ट आंसर इज नॉट 5, इट्स करेक्ट आंसर इज 4। ओके प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या दिया था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम,
ओके प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में क्या था, सिंपली नंबर ऑफ रूट्स आपको आइडेंटिफाई करने थे, ओके देर इज नथिंग एल्स। तो अभी तक अपने कितने 8 प्रॉब्लम किए ना, तो होपफुली सभी के सभी प्रॉब्लम समझ में आ रहेंगे। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 9, ओके ये प्रॉब्लम लिखा है कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 9 है, ओके और ये क्वेश्चन था एमसीक्यू टाइप। तो फटाफट मुझे बताओ इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट मार्क करके आए थे आप सब लोग, व्हाट वाज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलो फटाफट मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप कौन सा रिस्पॉन्स मार्क करके आए थे चारों में से। तो क्या देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, मैं आपको बता देता एक बार। सो देर आर फंक्शन गिवन एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी, और क्या दिया हमें, एक्स वाई रियल नंबर्स दिए, नॉन कॉन्स्टेंट दिया है फंक्शन, एनालिटिक दिया है ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अभी मुझे बता नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक है एक पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मतलब कैसा है हमारा एफ इज एंटायर फंक्शन, ओके एफ एंटायर दिया है, साथ के साथ यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई वो कैसे दिए, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, और यू हमारा क्या है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, ये सब हमें पता रहता है वी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। और हमें जीवन ऐसे तरह से डिफाइन किया है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हमें, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ओके ये नेट में भी आ चुका है एक बार, तो यू एक्स माइनस आई टाइम्स यू वाई, ओके तो जीवन इस तरह से डिफाइन किया है। और जी टू जो हमें डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया है, वी एक्स माइनस आई वी वाई, वी एक्स माइनस आई वी वाई। तो अभी देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, F एंटायर दिया, ये तो हमें पता है F एंटायर का मतलब क्या होगा, F क्या हमारे पास, F इज U प्लस आई वी, एफ अगर एंटायर तो क्या होगा, U और V कैसे रहेंगे हमारे, ऑब्वियसली हार्मोनिक फंक्शन रहेंगे, तो U एंड V कैसे रहेंगे हमारे पास, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, वो लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो आएगा, एंड वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो यू एक्स एक्स और यू वाई वाई दोनों का एडिशन जीरो आता है, सिमिलरली वी एक्स एक्स एंड वी वाई का एडिशन जीरो आता है। देखो कई यूज करने वाले हम आगे जाके, देखो सबसे पहले क्या दिया हमें, जीवन दिया है, इसे एनालिटिक चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं हम एनालिटिक, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एनालिटिसिटी कैसे चेक करते हैं हम किसी भी फंक्शन का, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई। ओके आई डोंट वॉन्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्ट अप्रोच, कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे चेक करते हैं फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चीज़ें नेसेसरी है, देर आर नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर टू चेक एनालिटिक। ओके एम डी मिस्टर डी बी आई डी जो बोल रहा है सी आर इक्वेशन यूज करो एनालिटिक रिजल्ट मिल जाएगा, बट इज इट सफिशियंट, इज इट सफिशियंट, नॉट नेसेसरी। ओके कौशलीमान इक्वेशन से हम गारंटी नहीं दे सकते कि फंक्शन एनालिटिक है, फॉर दैट वी नीड एक्स्ट्रा कंडीशन, एंड वॉट इज दैट एक्स्ट्रा कंडीशन, कंटिन्यूटी ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। ओके इफ एट ऑल फंक्शन सेटिस्फाई कौशलीमान इक्वेशन एज वेल एज इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, देन वी कैन से फंक्शन इज एनालिटिक। ओके तो चलिए देखते हैं, लेट पहले कले के लेके देखते हैं, लेट्स कैपिटल यू, क्योंकि यू एक्स ऑलरेडी है तो हम इसको कैपिटल यू मान रहे हैं, यू एक्स। ओके और जो कैपिटल वी हमारा कितना है, माइनस यू वाई दिया है, तो अगर मेरा यू एक्स और यू वाई सेम आ गया तो बोलेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई। तो यू एक्स निकालते कितना होगा, कैपिटल यू एक्स कितना होगा, छोटा यू एक्स एक्स। ओके और कैपिटल वी वाई कितना होगा, माइनस यू वाई वाई, छोटा यू वाई वाई। तो अभी हमें क्या चाहिए, यू एक्स एक्स कैपिटल यू एक्स इक्वल चाहिए हमें वी वाई के बराबर। ओके बट हमें पता है यू एक्स क्या हमारे पास, यू एक्स एक्स है, और वी वाई क्या हमारे पास, माइनस यू वाई वाई है। ओके इफ एंड ओनली उल्टा जा रहे हम, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई मतलब क्या होगा, यू एक्स एक्स ये माइनस उधर लेके क्या होगा, प्लस होगा यू वाई वाई इक्वल टू जीरो। तो हमें ये तो ऑलरेडी पता है ना, यू एक्स एक्स और यू वाई वाई जीरो है बिकॉज हार्मोनिक है यू, तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई जीरो है मतलब क्या होगा, यू एक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस यू वाई वाई हो जाएगा, बट यू एक्स हमारा क्या है, कैपिटल यू एक्स है, एंड माइनस यू वाई वाई मतलब हमारा
कैपिटल वी वाई, तो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई आ गया। अभी बात करते हैं सेकंड कौशल इवन इक्वेशन की। सेकंड क्या बोलता है वो, यू वाई कैपिटल यू वाई मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। ओके तो कैपिटल यू वाई कितना है मेरे पास, अगर मैं कैपिटल यू वाई की बात करता हूँ तो क्या होगा, ओके हमें क्या चाहिए, कैपिटल यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा, कैपिटल यू वाई होगा क्या हमारा, तो कैपिटल यू वाई विल बी वॉट, कैपिटल वी वाई विल बी, दिस इज नथिंग बट यू एक्स वाई, और अगर मैं वी एक्स की बात करता हूँ, वी एक्स कितना होगा, माइनस यू वाई एक्स। ओके तो क्या होगा, तो यू वाई मतलब क्या है मेरे पास, यू वाई इज नथिंग बट यू एक्स एक्स यू एक्स वाई एंड माइनस वी एक्स, माइनस वी एक्स कितना होगा हमारा, यू वाई एक्स। तो हमें पता है फंक्शन कैसा है, एंटायर फंक्शन है, तो क्या होगा, फंक्शन एंटायर होता है तो क्या होता है, उसके जो भी यू एंड वी होते हैं वो कैसे रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं, एंड जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं यू एक्स वाई एंड यू एक्स वाई एंड यू वाई एक्स दोनों सेम आते हैं। कब होगा, ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस होता, तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रू रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू होगा, तो फंक्शन का क्या होगा, कौशल रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ऑल्सो जो यू एक्स और यू वाई हमारे कैसे है, कंटिन्यूस है ना, ये जो यू एक्स है ये यू वाई है वो कैसे है, फंक्शन हमारे कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए क्या होगा, जी वन हमारा एनालिटिक है, तो जी वन तो एनालिटिक है, बट जी टू क्या एनालिटिक है, क्या इज इट एनालिटिक, जी टू में, जी टू फंक्शन एनालिटिक है क्या हमारा, ओके जी टू में इधर प्लस है, जी टू में ओके सो जी टू में इधर प्लस आएगा, तो आप चेक कर सकते हो यू एक्स और जो हमारा कैपिटल वी वाई वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो कौशल रीमान इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ओके इधर प्लस आएगा बीच में, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हम एनालिटिसिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते, ओके तो जी टू तो एनालिटिक होगा नहीं, तो अभी जाते हैं ऑप्शन की तरफ, जी वन है जी टू नहीं है, जी वन है और जी टू नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए किसने किसने थर्ड आंसर करेक्ट मार्क करके आए थे एग्जाम में, सो विच वन ऑफ यू हैव मार्क करेक्ट ऑप्शन, चारों में से कौन सा मार्क करके आए थे एग्जाम में, ओके मैथ्स पॉइंट से रे फर्स्ट किया मैंने, ओके फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ओके ठीक है सेकंड किया है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। सो दिस वाज द नाइन्थ क्वेश्चन एंड आई गेस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो होपफुली आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे, तो चलिए बढ़ते आगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसके बाद सेशन होने वाला विकास सर इज कमिंग विद कमिंग अप विद लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ चुके थे, तो सभी सर डिस्कस करने वाले वन बाय वन, तो 6 बजे आपको बराबर आना है, सो लेट मी शो यू, तो 6 बजे विकास सर का लाइव होने वाला है, ओके और लीनियर अलजेब्रा प्लस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आ चुके थे तो सभी के सभी सर डिस्कस करने वाले, सो कम लाइव एट 6 PM शार्प, ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।